नहीं सुनी। अगर मैं धनवान के यहाँ पर पैदा होती तो शायद इनका जो मांगना था वो मैं पूरा कर सकती थी। प्रेमी सजनों रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा जो अंतिम संस्कार हो वो मेरे ससुराल में नहीं मेरे मायके में किया जाए। मैं अपने पीहर वालों से एक बार मिलना चाहती हूँ। बताया जाता है कि एक परिवार में चार सदस्य रहा करते थे, एक माँ, एक बाप और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी थी, लड़की जवान हुई तो माँ ने कहा कि सुनिए आपकी बेटी जवान हो रही, एक सुंदर सा लड़का देखिए और अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। प्रेमी सजनों वो बहुत गरीब था, अपनी हैसियत के मुताबिक वर देखने के लिए चल देता है, लेकिन बेटियों को कभी भी ये नहीं चाहता कोई भी माँ बाप कि हमारी बेटी किसी गलत घर में जाए या उसे किसी प्रकार का दुख उठाना पड़े। अपनी औकात भूल गया और एक बड़े घराने में अपनी बेटी की शादी तय कर दी। प्रेमी सजनों जो भी कुछ धन दौलत माल खजाना जितना भी था वो सब कुछ अपनी बेटी की शादी में लगा दिया। कुछ दिन ठीक से रखा दहेज के लोभियों ने, कुछ दिन बाद एक लिस्ट बनाकर दे दी उसके पति ने, सास ने और ननद ने कि जा ये लिस्ट हम जो दे रहे हैं इस लिस्ट को ले जा, ये सामान आना चाहिए, अगर ये सामान तू नहीं लेकर के आई तो इसे दरवाजे पर तू पैर मत रख देना। प्रेमी सजनों उस बेटी ने हाथ जोड़े कहा कि पियाजी आपने स्वयं मुझे पसंद करके ये शादी की थी, लेकिन आज आप उन वचनों को भूल रहे हो जो आपने सात फेरों के वक्त खाए थे। प्रेमी सजनों बहुत गिड़गिड़ाती है कि मेरे पिता के पास में कुछ भी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे रख लीजिए, मैं नौकरानी बनकर के आपके यहाँ पे गुजारा कर लूंगी। लेकिन नहीं मानते वो धन के लोभी, उस लड़की को एक कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल छिड़क करके प्रेमी सजनों उस लड़की को जिंदा जला दिया। जब जिंदा जला दिया तो पड़ोसियों ने पुलिस पर खबर कर दी, पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले वहां पर आए तो ससुराल वाले वहां से भाग गए, फरार हो जाते हैं। उस लड़की को कमरे से बाहर निकाला, उस लड़की में अंतिम सांसें बाकी बची थी। वो लड़की उस दरोगा को बयान करती है कि दरोगा जी जैसा मेरे साथ में ये ससुराल वालों ने किया है ऐसा मैं उस परमपिता परमेश्वर से कहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ में भी ना हो। मैं गरीब की बेटी थी इसलिए मेरी पुकार उन्होंने नहीं सुनी। अगर मैं धनवान के यहाँ पर पैदा होती तो शायद इनका जो मांगना था वो मैं पूरा कर सकती थी। प्रेमी सजनों रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरा जो अंतिम संस्कार हो वो मेरे ससुराल में नहीं मेरे मायके में किया जाए। मैं अपने पीहर वालों से एक बार मिलना चाहती हूँ। प्रेमी सजनों उस लड़की को दरोगा लेकर के उसके गांव में जाता है तो रास्ते में ही लड़की दम तोड़ देती है। उस बेटी को गोदी में लेकर के उसके गांव ले जाया गया। गांव में देखा कि उसका भाई खड़ा था। उसके भाई ने अपनी बहन को जब कफन में देखा तो रोने लग जाता है, कहने लग जाता है कि बहन उन धन के लोभियों ने आज तुझको जिंदा जला दिया। अगर उनकी बहन बेटी के साथ में ऐसा होता तो तकलीफ उनको तब होती, क्योंकि जिसका मरता है रोता वही है, दूसरे तो बस तमाशा देखते हैं। प्रेमी सजनों उस लड़की को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, बीच में उसका एक छोटा भाई बैठा है। माँ बाप गुजर चुके थे, वो भाई अपनी बहन को निहार रहा है और रोते हुए इस छोटी सी बात में किस प्रकार से क्या लिखा है जरा गौर फरमाइएगा, सुनिए क्या कह रहा है। रोता भाई
बेटी आई है, रोता भाई है, भाई है रोता, भाई है रोता, भाई है, भाई है रोता, भाई है। दिया कैसा हाल जो बह गई ससुराल,
वो कभी भर नहीं सकते। एक एक शब्द के दो दो अर्थ लिखे हैं कभी, ने ध्यान दीजिएगा क्या। पल पल जब आए बहन सनूना हाथ रहे भाई का सूना। जब जब आए बहन सनूना हाथ रहे भाई का सूना। दलवीर समय की चाल संग खेली भाई है रोता भाई।